पूरे भगत सिंह के पते जी का राजा तेरा पंच मकान उम्र जवान मेरे भगत सिंह फते जी कब राजा तेरा पंच मकान उम्र जवान मैं सिंह कदे जी जब राजा तेरा बंद मकान में जिस आदमी के अपने निर्णय होते
नहीं तो जायदाद का मालिक बदल जाता है। दादे से बेटे को चली गई, बेटे से पोते को चली गई। और आजकल की तो स्थिति ये है, अपनी मर्जी से तो बैर फैद में अपनी मर्जी से घर में चैनल भी नहीं बदल सकता, वो भी बच्चों से घर वाले से पूछ के बदलनी पड़ती है। ये बेटे ये थोड़ी सी जिंदगी जो अच्छे खराब कर जाता वो देश भगत कहलाता है। अगर थोड़ी सी चूक हो जाती है तो गद्दारी की भेंट लग जाती है। इसलिए बेटा ये तेरा थोड़ा सा जीवन अपने सच्चे गुरु का अपने सच्चे बादशाह का नाम लेकर के इस देश के लिए समर्पित कर दे। और वो माँ क्या कहती है, डॉक्टर राम भक्त लाखियान जी शायद उन दोनों में जींद में थे। कारगिल के युद्ध के अंदर हमारे प्रोफेसर साहब प्रोफेसर जिलेश सिंह इकोनॉमिक्स के लेक्चरर थे, उनका बेटा कारगिल में शहीद हुआ था। आप जींद जाते हैं ना, रानी तालाब से लेकर के जो बस स्टैंड वाला रोड है वो मेजर विनय सिंह मार्ग के नाम से जाना जाता है। आप ये सोच के देखिए आरपी सिंह जी, ये दो लाइनें सुन लो, गीत की कोई बात नहीं, ये दो लाइनें मेरी मजबूरी आपको सुनाना। वो मेजर विनय सिंह मार्ग के नाम से जाना जाता है। मैं फिर वही साहब सोच के देखिए, जिस एक लोग से बेटा मेजर हो उसके तिरंगे झंडे में लाश लिपट कर आती है तो क्या मंजर होगा उस वक्त। और एक बहुत बड़े विद्वान जिलेश सिंह जी का बेटा सभी शिक्षाविद वहां थे, वहां के जो मंजर देखा उसके घर के हालात देखा, तब ये आचार्य जी दो तीन लाइनें मैंने लिखी थी। ये उनकी घरवाली की तरफ से सोचिए, किसी भी शहीद की घरवाली की तरफ से सोचिए कि तिरंगे झंडे में लाश लिपट कर आई मेरे घर आ रहे की, अरे तिरंगे झंडे में लाश लिपट कर आई मेरे घर आ रहे की, छाती छलनी होई पड़ी थी कति मेरे रखवाले की, मैं बोली तुम मेरा देश पर मेरा के हो हाल बता, चलो अंबर में प्रकाश हुआ और आवाज आई मतवाले की, क्या के शीत रात और फर्म रहे मैं सीमा ऊपर खड़ा हुआ, क्योंकि दुश्मन घुसपैठ करेगा यू इरादा लेके खड़ा हुआ, रबीश मार के फेर मरा तू लाश बचा के दुश्मन की, और तिरंगा ऊपर रहे हमारा ये अरमान लेके खड़ा हुआ, ये अरमान लेके। Thank you.